एक जगह हम कथा गा रहे थे तो एक महात्मा है बांसवाड़ा राजस्थान में, तो अंतिम दिन एक महात्मा है तो एक बात सुनाए, मेरी बात नहीं उनकी बात है। बोले एक जगह कथा हो रही थी तो कथा के बाद महाराज, बहुत पहले की बात, महाराज को बैलगाड़ी पर बिठा कर दान दक्षिणा देकर लोग विदा कर दिए। महाराज के जाने के बाद गांव के लोग चर्चा करने लगे, कितनी अच्छी कथा महाराज ने सुनाई बताओ, राम जैसा राक्षस नहीं, रावण जैसा देवता नहीं कोई। दूसरा बोला, क्या बोलते हो, उल्टा बोल गए, राम जैसा देवता नहीं, रावण जैसा राक्षस नहीं। अब आधा गांव बोले राम देवता, आधा गांव बोले रावण देवता। अब मचा बवाल गांव में, लोगों ने कहा भी महाराज बहुत दूर नहीं गए होंगे, दौड़ाओ पकड़ो उनको, पहले वो क्लियर करे कि देवता कौन है राक्षस कौन है। गांव के लोग दौड़े, महाराज देखे कि पीछे से पूरा गांव दौड़ रहा है, सोचे लगता है दक्षिणा छूट गया है का मेरा भी, और जल्दी बैलगाड़ी रोके। लोग आकर बोले महाराज कौन सी कथा सुना दिए, पूरे गांव में झगड़ा हो गया है, क्या हुआ ये बताओ, राक्षस कौन था, रावण राक्षस था कि राम जी राक्षस थे। महाराज को आया गुस्सा, बोले देखो न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, दो ही राक्षस थे, एक तुम लोग राक्षस थे और हम राक्षस थे कि यहां पर हम कथा सुनाने तुम लोग के पास आए। ये तो उनकी बात है, कहने का अर्थ है माई बाप, कथा में बैठने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है तो हमको अपने ऊपर विचार करना चाहिए कि हम कर क्या रहे थे। यह संभव है कि कथा सुनने के बाद संशय समाप्त न हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शिव वाक्य है, शिव सूत्र है। संशय विहग उड़ावन हारी। और या क्षमा करिएगा, कहा गया है संशय आत्मा विनश्यति। संशय, देखिए संशय किसको होता है, हाथ को होता है कि पांव को होता है, कहिए कहिए, मन को होता है। संशय किसको होता है, शरीर की बीमारी हो जाए तो टिकिया खा के ठीक कर सकते हैं, इसकी बीमारी हो जाए टिकिया से ठीक होने वाला नहीं है। और दूसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात, संशय जिसके प्रति होता है उसको कुछ नहीं होता, और जिसको होता है उसका कुछ नहीं बचता। जिसके प्रति हुआ वो तो अपना आनंद में निकल गया ड्यूटी करने, अब जिसको हुआ है वो परेशान, कहां गया होगा, कहां गया होगा, जरूर वहीं गया होगा। ओ भले बेचारा मंदिर जाए कथा में जाए, लेकिन जिसको संशय हो गया है वो 24 घंटे इसी प्लानिंग में रहता है, कहाँ गया होगा, किससे मिला होगा। इस संशय आत्मा को, शरीर को समाप्त कर देता है। संशय आत्मा विनश्यति। संशय समाप्त कैसे होगा, भगवत कथा से। क्यों, भगवत कथा कहती है अपने विश्वास में रहिए, किसी को विश्वास दिलाइए मत, अपने विश्वास में रहिए। जिसको विश्वास में रहना होगा अपने आप रहेगा, आप विश्वास में रहिए। भगवान कब मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अरे नहीं मिलेंगे ये उनकी समस्या है, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये उनकी समस्या है, दूसरे की समस्या अपने क्यों ढो रहे हो। अपने तो विश्वास में रहिए कि अवश्य मिलेंगे, जैसे सबरी को मिले और केवट को मिले, एक न एक दिन हमको भी मिलेंगे। विश्वास में रहिए और यात्रा करते रहिए। ये कथा विश्वास को जागृत कराती है। भगवान शंकर ने कहा कितने घाट हो गए, अब चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई, किसने गाई, श्रोता ने महिमा गाई। जैसे हमारे कथा सुनाने के पहले भैया ही दो वाक्य सुना गए बुंदेलखंडी में। देखो हम आपको पहले क्लियर कर दे, बुंदेलखंड से हमको बड़ा प्रेम है। क्यों, मेरी ससुराल है वहां पर, ये तो प्रेम तो रखना पड़ेगा साहब, कहां जाएंगे।
पहले बोल दिए कि आप लोग भी सावधान हो जाएं। हाँ। बुंदेलखंड अद्भुत स्थान है, काय के लाने आयो महाराज। काय को आए अलाने अलाने लाने काय के लाने आए बोलते हैं ना। हाँ सुना हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा इसमें भी विभाग है। ओहो ये तो मुझे पता ही नहीं था। चौथे स्थान पर श्रोता ने महिमा गाई। किसने? गरुण जी महाराज ने। भगवान युद्ध में नाग पास में बध गए। आप कथा सुने होंगे, भगवान और लक्ष्मण भैया नाग पास में बध गए। नाग पास में बैठ गए, बन गए, तो नारद जी ने गरुण जी को भेजा भगवान के पास कि गरुण जी का भोजन सर्प है, आप जाइए और भगवान को सर्प बंधन से मुक्त करिए। गरुण जी महाराज आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और मुक्त करने के बाद सोचने लगे, भव बंधन ते छूटे नर जप जा कर नाम, खरब निसाचर बाधे नाग पास सोई राम। गरुण जी महाराज सोचने लगे कि जिस भगवान के नाम जप से जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध देंगे सर्प से। जिस भगवान का नाम ही भाव बंधन से मुक्त करता है, उस भगवान को राक्षस बांध दिए, ये भगवान नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, पकड़ा मोह ने वो ब्रह्म ने, ये भगवान नहीं है। गरुण जी महाराज भागे कहां? नारद जी के पास जाकर बोले, किसके पास भेज दिए थे? वो भगवान नहीं थे। नारद जी बोले, पकड़ लिया। बोले, क्या पकड़ लिया? नारद जी बोले, बीमारी ने पकड़ लिया आपको, मोह ने पकड़ लिया, माया नचाना शुरू कर दी है। एक काम करिए, आपके आपके बीमारी का ट्रीटमेंट मेरे पास नहीं है, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। अब यदि किसी को पता चल जाए कि मुझे बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, आदमी पागल हो जाएगा, जो जहां डॉक्टर बताएगा वो वहीं दौड़ा जाएगा। नारद जी बोले, जाइए ब्रह्मा जी के पास। गरुण जी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले, जे ही बहु बार नचावा मोही सोई ब्यापे ओ विहंग पति तो ही। इस बीमारी ने, ब्रह्मा जी बोले, हमको भी बहुत परेशान किया है, बहुत बार हमको फंसाया इस बीमारी ने, वही बीमारी आपको भी हो गई है। गरुण जी बोले, खतरनाक है क्या? बोले, बहुत खतरनाक। अब गरुण जी बोले कि ब्रह्मा जी दूर कैसे होगा? ब्रह्मा जी बोले, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको। एक काम करिए, कैलाश पहुंचिए बाबा के पास, वही इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है। गरुण जी दौड़ने लगे कैलाश की ओर, तब तक रास्ते में बाबा मिल गए, भगवान शंकर। गरुण जी दंडवत किए, अपना सिम्टम बताए, बोले, आप उपचार करने में सक्षम है? शंकर जी बोले, देखिए चेंबर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हैं, रास्ते में कैसे उपचार करूं? लेकिन आपका सिम्टम सुन के ये पता चल गया है कि आपकी बीमारी कैसे जाएगी। गरुण जी बोले, कैसे जाएगी? शंकर जी बोले, तब ही होई सब संशय भंगा। कब? जब बहु काल करिय सत्संग। जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे गरुण जी, तो सत्संग से आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा।
गरुण जी बोले फिर शुरू करिए सत्संग। बाबा बोले कहाँ रास्ते में करूं, मैं जा रहा हूं कुबेर के यहां मीटिंग है, मैं तो लंबा सत्संग नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक ऐसे स्थान में भेज रहा हूं जहां पर तज हरे भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, एक ही काम, जगो तो कथा शुरू कर दो और नींद आए तो कथा बंद करके सो जाओ, वहां हमेशा कथा चलती है, 27 कल्प बीत गए कथा चल रही है। कहां गरुण जी महाराज को भगवान शंकर बोले आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभुसुंडी जी महाराज हैं। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा बाबा आप चाहते तो क्षण भर के अंदर गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? भगवान शंकर बोले देवी मैं भगवान की लीला में विघ्न नहीं बनना चाहता, भगवान के निकट रहने वाले जीव को मोह हो रहा है, इसको सामान्य मत समझिएगा। गरुण जी महाराज भगवान के निकट रहते। अच्छा बताओ किसी भी आदमी के अंतरंग बात को जानते हैं? घर का कौन सा सेवक जानता है? ड्राइवर वो गाड़ी चलाता रहता है और स्वामी के सब बात सुनत है, पति पत्नी पीछे बैठ के लड़ते हैं वो भी सुनता है, ड्राइवर दोनों में जमा है आज। गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं, अति निकट रहने वाले हैं, सेवक हैं, उसके बाद इनको मोह हो गया, ये सामान्य घटना नहीं है। शंकर जी बोले होई कीन कबहू अभिमाना, गरुण जी अपने जीवन में कभी अभिमान किए होंगे, सोई खो वै चह कृपा निधाना, भगवान उसी अभिमान को आज चूर्ण करना चाहते हैं। कब? जब आदमी अपने छोटे के सामने जाकर नीचे बैठता है तो उसका सारा अभिमान वहीं पर चूर्ण होकर समाप्त हो जाता है। आज पक्षियों के राजा है और आज काकभुसुंडी जी के सामने जाकर बैठ करके सुनेंगे ना, अभिमान समाप्त तो हो जाएगा। एक दूसरा पहला कारण, और दूसरा कारण काकभुसुंडी जी पक्षी हैं, गरुण जी भी पक्षी हैं। खग समुझे खग ही के भासा, एक पक्षी को पक्षी की बात ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उनको, उनको काकभुसुंडी जी के आश्रम भेज दिया। गरुण जी महाराज गए नीलगिरी पर्वत और आप दर्शन करिए भगवत कथा की महिमा। जैसे इस हॉल में कथा आज प्रारंभ हुई है, उसी प्रकार जिस आश्रम में बैठकर काकभुसुंडी जी कथा गाते थे, गरुण जी महाराज केवल अभी आश्रम का दर्शन किए, कथा नहीं सुने, जिस स्थान पर कथा चलती थी उस स्थान का दर्शन किए, कथा होते होते उस स्थान की इतनी दिव्यता हो गई थी कि गरुण जी महाराज आश्रम का दर्शन किए और दर्शन करने मात्र से उनका सारा भ्रम मोह समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम देखे, भ्रम समाप्त, मोह समाप्त, संशय समाप्त, भगवत कथा पर प्रेम जागृत हो गया। इधर काकभुसुंडी जी मंगलाचरण करने वाले थे, राजा दिखाई पड़े, गरुण जी आए हैं, व्यासपीठ से उतरे, जाकर दिव्य आसन पर राजा को बिठाएं, करी पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोले उका। अच्छा ये बताओ कौआ कितना मीठा बोलता है ना, कहिए। अरे चुप क्यों है, कहिए हाँ चाहे ना, मीठा बोलता है कौआ, कैसा बोलता है? कर्कश। लेकिन श्री रामचरितमानस में कौआ जी हैं जो मीठा बोलते हैं, मधुर वचन तब बोले उकार। कागा ने कैसा वचन बोला? मधुर वचन।
ये प्रसंग कहता है, ये प्रैक्टिकल मैंने तीन लोगों पर करवाया है, तीन लोगों पर प्रैक्टिकल आपको जीवन की बात सुना रहा हूं। जिस मनुष्य की वाणी में कर्कशता है, उस मनुष्य से एक साल केवल राम नाम का कीर्तन कराइए, नित्य 10 मिनट सवेरे सवेरे। मैं आज ऐसा गा रहा हूं माए बाप, मेरी पहले ऐसी भाषा नहीं थी, न मुझे बोलने आता था, न चलने आता था, न बैठने आता था, न उठने आता था, न खाने आता था, कुछ नहीं आता था, पशु की तरह जी रहे थे। एक बार कलकत्ता में कथा चल रही थी पूज्य महाराज श्री की, मैं दूसरे कमरे में था, पूज्य महाराज श्री ने मुझे आवाज दी, मैं कमरे में गया तो महाराज श्री बेड पे थे और सामने सोफे पर महाराज श्री के मित्र बैठे थे। मैं उनके मित्र के सामने से जाकर महाराज श्री के पांव के पास खड़ा होकर बोला, सरकार क्या आज्ञा है? तो महाराज श्री हमको देख कर मुस्कुराए, बोले कि गीता प्रेस में किताब है, क्या करें और क्या ना करें उसको मंगाइए और मंगा के पढ़िए और जाइए। मैं तो समझ गया कि मेरे से कोई अपराध हो गया है, जिस कार्य के लिए बुलाया गया वो बात नहीं कही गई, दूसरी बात कही गई, अब मैं बेचैन, कौन सा अपराध हो गया है। रात्रि में जब सेवा में था एकांत में, तो मैंने पूछा, सरकार इतना तो पता है कि अपराध हुआ है, लेकिन कौन सा अपराध हुआ ये पता नहीं चल पा रहा है। फिर महाराज ने कहा, बेटे अपने से श्रेष्ठ के सामने से गुजरना ये श्रेष्ठ का अपमान होता है। आप जब गए तो आपके सामने मेरे मित्र बैठे थे, स्वामी का मित्र भी स्वामी के बराबर होता है, पिता का मित्र पिता के समान होता है। जीवन में कभी श्रेष्ठ के आगे से गुजरना पड़े तो उसका उसकी मर्यादा है, पहले बाएं हाथ को आगे निकाले, ये पर्दा है, चले हाथ को आगे निकाले और सिर को नीचे झुका के तब जाना चाहिए, अर्थात सिर झुका के हम आपको वंदन कर रहे हैं और हाथ लगा के हम पर्दे की आड़ में जा रहे हैं, ये संस्कार है और ये मर्यादा है। न बताते तो कैसे सीखता हूं मैं, अब बताओ। इस तरह केवल ये नहीं, एक एक व्यवहार जीवन में कैसे जीना है मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे बताया, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। मैं पहले ऐसे नहीं गाता था, ये तो जब से भगवान की कथा गाने लगा हूं, कथा गाते गाते वाणी में मधुरता आने लगी है और आप सबको कर्णप्रिय लगने लगा और सब लोग सुनने लगे, पहले नहीं गाता था। जिसकी वाणी में कर्कशता हो उससे एक साल नित्य 10 मिनट राम नाम का कीर्तन कराइए सुबह सुबह, एक साल के भीतर वाणी में मधुरता आ जाएगी, करके देखिए। यहां काकभुसुंडी जी ने मधुर बचन तब बोले, मधुर बचन बोले, बोले हे गरुण जी महाराज आप क्यों आए हैं? गरुण जी ने कहा कि आपके बारे में प्रशंसा आपकी भगवान शंकर कर रहे थे, मैं आपके पास उनके भेजने से आया हूं, और क्यों आया हूं? सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तव पायो। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना। परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख कुंदन शावन। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख कुंदन शावन। सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही। हाँ सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही। बार बार विनवौं प्रभु तोहि,
जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गरुण जी ने कहा, देखी परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। आपके आश्रम के दर्शन मात्र से सारा संशय मोह भ्रम मेरा समाप्त हो गया। हे कागभुशुंडी जी, अब वो राम कथा जो जीवन में सुख प्रदान करने वाली है, दुख का नाश करने वाली है, आप आदर पूर्वक मुझे श्रवण कराइए। चौथे घाट पर कागभुशुंडी जी से पहले गरुण जी ने महिमा का गान किया। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, मेरी बात तो ही नहीं सकती है, बाबा की बात है। इस कलिकाल में जहां हम और आप जी रहे हैं, मेरी सबसे पहली प्रार्थना, कलयुग को दोष देना बंद करिए। क्या बोले? हाँ, क्यों? कलयुग से सुंदर दूसरा कोई युग नहीं है। कलयुग ऐसा युग है माई बाप, जहां बिना कुछ किए केवल जिह्वा से राम 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 कह के हम और आप भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सरलता से दर्शन किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कलयुग की प्रशंसा करिए। गोस्वामी जी महिमा में कहते हैं, दो काम, राम चरण रति जो चाह। रति समझते हैं, रति, रति यानी प्रेम। राम जी के चरणों में प्रेम चाहते हैं, अथवा अथवा पद निर्वाण, अथवा मोक्ष चाहते हैं। दोनों प्राप्त करने के लिए कई उपाय है। भाव सहित सो यह कथा, करो श्रवण पुट पा। आज से कथा प्रारंभ हुई है। कल हम और आप भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा गाएंगे, खूब आनंद होगा। पूरे विश्व से कल बराती आएंगे, केवल इंडिया वाले नहीं रहेंगे, विदेशी भी आएंगे। तो कल बाबा का विवाह गाएंगे, परसों राम जन्म महोत्सव गाएंगे, उसके अगले दिन बाल लीला, फिर धनुष यज्ञ विवाह, फिर अयोध्या कांड, आगे की कथाओं को भाव के साथ मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। अब प्रार्थना है, भाव के साथ यदि आप भी सुनने का प्रयास करेंगे तो 9 दिनों में ही न पूरी थोड़ी राम जी के चरणों के प्रति प्रीति अवश्य प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आज प्रथम सत्र में कथा की भूमिका, कथा की महिमा, क्या स्वरूप है, कितने वक्ता हैं, कितने घाट हैं, किस वक्ता ने कौन सी महिमा सुनाई, मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। कल ठीक, आज कुछ व्यवस्था के कारण प्रथम सत्र था, विलंब हुआ। कल 4 बजे भजन प्रारंभ होगा और ठीक 4:15 बजे 15-20 मिनट बाद ठाकुर जी के साथ हम यहाँ पर आएंगे, और मान के चलिए 4:30 से लेकर 8:30 बजे तक कल से कथा चलेगी। तो कल हम और आप भगवान शिव और माँ भवानी के विवाह की कथा गाएंगे। जितने लोग आए हैं, शायद कुछ लोग जाने भी वाले होंगे, अपने में से कोई नहीं जाएंगे ना, अपने साथ जो आए हैं झांसी ग्वालियर से, अच्छा नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे वैसे आए हैं, जाएंगे भी, सबकी अपनी व्यस्तता है, कुछ जाएंगे तो उनसे अधिक आएंगे, बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं।
तो कल बाबा के विवाह में हम और आप मिलते हैं, तब तक के लिए हरे रामा रामा राम सीताराम। आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम सीताराम सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, जय जय श्री सीता राम। सब आरती आरती रामी हरती सब आरती आरती रामी दहन दुख दो निर्मूल निकाम की दहन दुख दो निर्मूल निकाम सुरभ सौरभ धो दीप परमालिका उड़त अघ विहंग सुनी ताल कर तालिका हरति सब आरती आरती राम की भक्त हृदि भवन अज्ञान हरती सब आरती आरती राम की मोहम्मद को हकली कंज हिम जानी दुखी कारी देह दुखी कारी हरती सब आरती